एयरपोर्ट के बाजू में रहे पैदल काहे को जाना, मेरे को तो पता ही नहीं था भोपाल में एयरपोर्ट तो बाद में बदल राजधानी है मध्य प्रदेश की तो होगा ही। भोपाल वाले लोग बड़े सीधे हैं, देखो कितने सीधे हैं, हंसना भी नहीं जानते हैं। हंस तो रहे, कितने सीधे हैं, वास्तव में रस से भरे हुए हैं। जलेबी को, जलेबी तो टेढ़ी होती है ना, जलेबी की तरह नहीं, सीधी कौन सी रसमलाई होती है, सीधी सीधा कुछ नहीं है। तो सीधे आप लोग होगी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है। ले दुनिया सीधा बनने के लिए कर रही है, हम लोग टेढ़े हैं। टेढ़ा तो संसार में एक ही है, काना। कौन काना? हट, मैं बहुत सीधा, मेरी मैया तो मुझे बोलते भाई हमारा लाला इतना सीधा बोलना भी ना जाने। सच में मुझे तो बोलना भी नहीं आता, अभी पुतला ही रहा हूं मैं तो। प्रेम से बोलो, कहां चलते हैं, कौन कौन चलेगा? वो कुछ चलना है तो ब्रजवासी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? इस संसार में अगर सबसे बड़ी पोस्ट अगर कुछ है ना तो ब्रजवासी। पार्षद की बड़ी पोस्ट नहीं है भैया, हाँ ऐसा मत मानना कम पावर उठो तो बच्चे आप तो मानते इतनी सी बहुत सी थी। इनको मैं देखता हूँ ना, मुझे मेरी नानी याद आती है। अब चूंकि मैं इनको मैया कहता हूँ, आज से नानी कहूंगा। नानी क्यों? हमारी नानी भी ऐसी है, अभी है हमारी नानी तो ऐसी है, आप जैसी ऐसी शकल है, खाली बाल सफेद है मेरी नानी को। और हम बाल जब से हम पैदा हुए तब से सफेद है, हमने अपनी नानी के बाल कभी काले देखे ही नहीं। इनका इतना ही अंतर है कि बस बाल इनके काले, हमारी नानी के बाल सफेद है, इतना ही अंतर है। लेकिन ये तो बहुत सीधी है। इस संसार में सबसे बड़ी पोस्ट देखो, वैसे देखा जाए तो कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की पोस्ट को बड़ी मानता है, लेकिन अगर धर्म के मामले में और भक्ति के मामले में अगर सबसे बड़ी पोस्ट अगर कोई है ना तो ब्रजवासियों की। तो प्रभु इनके लिए जा रहे हैं। कृष्ण कभी अवतार नहीं लेते भैया, कल कृष्ण के बारे में बहुत डीप चीजें बताऊंगा। कृष्ण जो है वो भगवान विष्णु के अवतार नहीं है। हम सब लोग ये समझते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है वो भगवान विष्णु के अवतार है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण तो कभी अवतार ही नहीं लेते, वो तो रहते हैं, लेकिन आज कृष्ण को भी अवतार है, कृष्ण को स्वयं आना पड़ा ब्रजवासियों के लिए। गोकुला चाहते तो कंस को वही मार देते, काम खत्म कर देते, लेकिन नहीं, मेरे ब्रजवासियों का प्रेम मुझे कैसे मिलेगा। इसलिए संसार में सबसे बड़ी पोस्ट ब्रजवासियों की है। हम ब्रजवासी इस बात का हमें बड़ा गौरव, हम ब्रज में रहते हैं, जिस ब्रज के लिए स्वयं कृष्ण को आना पड़ा गोलोक धाम को छोड़ करके, उस ब्रज के निवासी हैं। बंधुओं अब हम सब लोग गोकुल चलते हैं, ध्यान से सुनो कथा सर। रात्रि में वसुदेव जी सब करके गए, किसी को पता नहीं है। तो कहते सुबह जैसी हुई, यशोदा तो सो रही है, अब जो नंद बाबा है वो सुबह सुबह उठ करके गौशाला चले जाते हैं, गौशाला जा करके और वो गायों की सेवा करते हैं। अब चूंकि यशोदा के कभी भी बालक हो सकता है ऐसी सूचना है, अभी यशोदा को नहीं पता रहा था बालक हुई। तो कहते हैं नंद बाबा की दो बहन है, एक का नाम है नंदा और एक का नाम है सुनंदा। नंदा और जब भाभी के कछु रहने वाले हो गए तो जो ननद हो गए वे पहले ही आ जावे, हाँ की ना कहे को आवे मारे। मैं इतनी जगह कथा कर रही हूं तो मैं सब जगह इस प्रश्न को पूछता हूँ, कहे को सब यही कहते हैं अरे महाराज भोपालिया तुम भी सेवा करने के लिए आती भाभी की, हाँ की ना तो बोल आदि तो नेक के लिए। तो ननद पहले आ जाते, नंदा सुनंदा जो है वो पहले आ गई, तो जैसे ही पहले आई सेवा कर दी भाभी की। तो कहते आज सुबह जब यशोदा नहीं उठी तो नंदा ने सोचा आज तो भाभी रोज जल्दी उठ जाती, आज क्यों नहीं उठी। नंदा ने कहा नहीं जाके जगाती, और जैसी गई और जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, कमरे में प्रवेश करके क्या देख रही है, एक छोटा सा बालक जो है वो यशोदा के बाजू में खेल रहा है, चदरिया से टकरा। और जैसे ये दृश्य देखा नंदा ने तो कहते नंदा की आंखें पड़ी हुई, अरे रात्रि को बालक हो भी गया और यशोदा को मालूम भी नहीं चला, किसी को मालूम नहीं चला। अब तो प्रार्थना कर रही है, हे भगवान नारायण, हे
हम तो लाला के दर्शन के लिए आए, लेकिन आपके हाथ में लाला है कि लाली है, लेकिन हे प्रभु प्रार्थना कर रही हूँ इस बार पहलो बालक लाला है या फिर भले ही कितनी लाली है जी, लेकिन पहलो होगी भाई ननद हमेशा ये चाहेगी कि लाला ही हो। हाँ कि ना? अरे बोलो भैया के पहली संतान सब लोग बेटा ही चाहते हैं, बहने जो है तो नंदा बोली पहलो हमारो लाला है या फिर भले कितनी लाली है नहीं हो, और कहते हैं जैसे ही गई धीरे धीरे करके ही प्रभु पहलो बालक लाला ही हो, 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 और कहते जैसे ही पहुंची और चदरिया हटाई लाला के नीलमणि स्वरूप को दर्शन कियो, और कहते उसी समय भाव से मोर हो गई, हे प्रभु है गयो है गयो है गयो लाला है गयो लाला है गयो, भागी वहां से यशोदा को जगाए, यशोदा जग 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 यशोदा उठी लाला के दर्शन करे यशोदा की, और जैसे जैसे दृश्य देखा बेटा उठ पड़े बेटा देखो भैया से मिलेगा, कहने सुन भैया भैया के बाद और नहीं जाती है लंदा नंद बाबा तो गौशाला में बैठे, तो गौशाला में बैठ के माला जपाए, माला में कहने अभी तो होना पता नहीं करूँ कैसे माला में राम कृष्ण का नाम ले रहे ऐसे करके भजन कर गई, उसी समय नंदा भागी भागी गई, भैया 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 मेरे दोनों हाथ पकड़े ऐसे करके दोनों घूमने लगे, भैया 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 अरे कावे नंदा बता दो कावे भैया इतनी सुंदर खबर लेके आए आप, इतनी सुंदर खबर लेके आए आप पागल हो जाओ, नंदा बता दो तो कहा खबर लेने चाहिए भैया बता दूंगी फिर एक बार बताओ कोई बता दो कहा मिले आपके लाला हुआ और जैसे ही गंगावा ने खबर सुनी महाराज तुरंत भागे सुना के पास में, आज पूरे गोकुल को मालूम करता जा रहा है लाला हुआ, सब लोग बधाई दे रहे हैं, आज हमारे ठाकुर जी का प्रयोग भी हुआ है, और स्वागत की घड़ी में हम सब लोग कैलाश नगर के वासी भोपाल के वासी भी हम सब लोग भिजवासी कर करके ठाकुर जी का धूप आप लोग करेंगे, सबको नाचना पड़ेगा लेकिन अभी कोई नहीं उठेगा, मैं जब कहूंगा तब उठेंगे तब तक बैठे ठाकुर जी आएंगे आकर के यहाँ पर आनंद करेंगे, उसके बाद सबको तो सबको नाचना पड़ेगा, कौन कौन नाचेगा अरे बोलो, आज नंद बाबा ने ठाकुर जी को अपने टोकरी में बैठाया है और टोकरी में बैठाकर पूरे ब्रजमंडल में आनंद छा रहा है, आज सारे ब्रजमंडल वाले खुशियां मना रहे हैं, आइए हम सब भी खुशियां मनाते हैं, एक बार सब लोग बोलो बधाई हो, बधाई हो बाबा भैया को बधाई देते हुए बोलो बाबा बधाई हो, बधाई हो भैया बधाई हो, बधाई हो, आइए हम सब लोग ठाकुर जी के उत्सव में प्रवेश करें, आप समस्त कैलाश नगर वासी पर ताली बजाइए, बोल ताला जायो हे बैठे रहो मैंने कहा ना बैठे रहो भैया देखो भैया ठाकुर जी बोलते हैं Thank you.
बोलो मत बोलो हेलो 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 Oh,